1993 total trade and economic volume of the Japan was 4.23 trillion dollar 2023 total trade and economic volume of the Japan is trillion. टू थ्री ट्रिलियन डॉलर नो चेंज इन थर्टी ईयर्स क्या जापान बूढ़ा हो चुका है फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव टू नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव सेकेंड लार्जेस्ट इकोनोमी ऑफ वर्ल्ड वॉज जापान उन्नीस सौ में चाइना ने जापान को पीछे छोड़कर मीषत की दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया और क्या दो हजार पच्चीस तक जापान से तीसरी पोजीशन भी छिन जाएगी क्या जेपीवाई डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो जाएगा और क्या बैंक ऑफ जापान डिफ्लेशनरी ट्रेंड को न्यूट्रल करने में और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाएगा फॉरक उत्ताद डॉट कॉम लाता है आपके लिए अप टू डेट टू द पॉइंट एंड बिफोर टाइम मालूम ताकि आप अपने मालियाती फैसलों को सही तौर पर सर दे सकें एक डिस्कलेमर के बाद हाजिर होता हूं कहीं मत जाइएगा 1935, हंड्रेड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज वाज़ इन जापान। 1945, हिरोशिमा नागासाकी, दो एटम बॉम्ब लिटल बॉय मैन, 60 से 70 सेकंड का मुख्तर अरसा 3 लाख से ज्यादा लोग लुकमय अजल लाखों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए 1940 से 1950 तक नन के सुर्ख इनकलाब की बाज गश्त रशिया के साथ साथ चाइना में भी सुनाई दी 1949 चाइना ने ताजे बरतानिया से आजादी हासिल कर ली उधर अमेरिका और उसकी अलाइज़ फोर्सेस जापान में मुकम्मल तौर पर काबज हो चुकी थी अमेरिका ने जापान में अपने अड्डे मजबूत कर लिए और जापानीज गवर्मेंट ने अनकंडीशनली अमरीका की सपोर्ट का ऐलान कर दिया और यहां से सफर शुरू हुआ जापान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 1950 जापान ने अपनी सबसे पहली गोल सेटिंग की कि आने वाले 10 सालों में वो टेक्सटाइल की दुनिया में नंबर वन पोजीशन पर होगा 1959 टारगेट गोल सेट से एक साल पहले जापानी कपड़े ने दुनिया में पहली पोजीशन हासिल कर ली 1960 जापान जापान ने अपनी दूसरी गोल सेटिंग की कि वो आने वाले 10 सालों में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर होगा और 10 साल के मुख्तर अरसे में दुनिया की स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जापान ने अपनी पहली पोजीशन हासिल कर ली यूं बीस साल के मुख्तसर अरसे में दुनिया की हर प्रोडक्ट पर मेड इन जापान नाम छपना शुरू हो गया इस मकसद के हसूल के लिए जापान ने मुल्क में बड़े पैमाने पर पोलिटिकल री इंजीनियरिंग की लेबर रिफॉर्म्स कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के गोल्डन प्रिंसिपल को अपनाया नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री जापान का ट्रेड एंड इकोनॉमिक वॉल्यूम 3.13 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और जापानी मीशत देखते ही देखते दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीशत बन गई चाइना की तरक्की का राज प्रोडक्शन एट मैस लेवल और जापान की तरक्की का राज क्वालिटी प्रोडक्ट्स स्किल्ड डिसिप्लेंड लेबर फोर्स ने अपने सिस्टम अपने प्रोसेस और अपने प्रोसीजर्स को जीरो एरर तक पहुंचा दिया और जापानी मीशत को अरूज तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया 1965 हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव टू नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी अमरीका के बाद जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीषत बन चुकी थी जिसका टोटल ट्रेड वॉल्यूम फोर टू थ्री ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था 1990 से 2010 तक जापान दूसरी पोजीशन पर काबिज रहा 2010 में चाइना ने जापान से उसकी दूसरी पोजीशन छीन ली 2010 से 2023 तक चाइना दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर मौजूद है जापान ने 1960 में 10 फीसद उन्नीस में 4 फीसद और 1980 में 5 फीसद ग्रोथ की 1980 के बाद जापान लो वेज कैटेगरी से निकलकर हाई वेज कैटेगरी के मुमालिक में शामिल हो गया और दुनिया की तरक्की में जापान ने अपना भरपूर किरदार सरंजाम दिया 2023 के तेईस के के मुताबिक जापान की एवरेज एज 84 फोर ईयर्स तक है और बर्थ रेट फर्टेलिटी पर वुमेन पर ईयर 1.42 फोर टू है आहस्ता आहस्ता गैर महसूस तरीके से जापान के एक्टिव ह्यूमन कैपिटल के अंदर बड़े पैमाने पर कमी नोट की जा रही है 2024 के आखिर तक जर्मनी जापान को तीसरी पोजीशन से भी बेदखल कर देगा और मीशत की इस में जापान तीसरी से चौथी पोजीशन पर सिरक जाएगा भारत दुनिया में छह से सात ग्रोथ के साथ बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और अगर हिंदुस्तान की यही तरक्की बरकरार रही तो आने वाले चंद सालों के अंदर भारत जापान को चौथी से पांचवी पोजीशन पर धकेल देगा 1985 प्लाजा एक अमेरिका ने डी एक्स वाई की कीमत को दुनिया के करेंसी पेयर्स के मुकाबले में बढ़ा दिया जिसका सबसे बड़ा असर जेपी वाई की कीमत पर नोट किया गया जापान 40% फीसद ज्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट अमेरिका एक्सपोर्ट करता था जिससे जापान की एक्सपोर्ट पर एक नुमाया इंपैक्ट नोट किया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अचानक बे इंतहा इजाफा हुआ और जापान के बड़े प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गए अपने बिजनेस लॉसेस को पूरा करने के लिए बंद यूनिट ने बैंकों से कर्जा लेना शुरू कर दिया बैंकों ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया बिजनेस यूनिट ने कर्जा लेकर स्टॉक मार्केट और रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और यूं एक ना दिखने वाला बबल क्रिएट हुआ प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गए और बिजनेस यू ही चलता रहा अनएम्प्लायमेंट में बे इंतहा इजाफा हो गया और जिससे मीशत में ग्रेट डिप्रेशन क्रिएट हो गया और यूं 1993 से 2023 तक जापान की मीशत की ग्रोथ 4.23 ट्रिलियन डॉलर तक रुक गई मौजूदा हुकूमत ने इस बबल को हाईलाइट किया और बड़े पैमाने पर रेक्टिफाइंग मयर्स लिए मीशत को ट्रैक पर लाने की भरपूर कोशिश की और आने वाले साल में एनुअल ग्रोथ 1.4 फोर टू परसेंट नोट की जा सकेगी और जिसकी वजह से आने वाले साल में जापान की टोटल ग्रोथ 5.12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी लेकिन इसके मुकाबले में चाइना कोरिया जर्मनी और भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं आईएमएफ की रिसेंट पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक अगर जापान दोबारा तरक्की के ट्रैक पर आना चाहता है तो उसको कुछ बुनियादी रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स करना होगी एडवर्ड डूमिंग के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ चाइना के मैसिव प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल कॉन्सेप्ट को भी अपनाना होगा कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करना होगा स्टॉक्स एंड रियल स्टेट मार्केट के साथ साथ प्रोडक्शन यूनिट्स को रीओपन करना होगा बर्थ फर्टेलिटी रेट को 2.3 परसेंट तक ले जाना होगा ताकि आने वाले सालों में एक्टिव ह्यूमन कैपिटल जापान की तरक्की में अपना किरदार सरंजाम दे सके फौरक डॉट कॉम लाता है आपके लिए अप टूडेट टू द पॉइंट एंड बिफोर टाइम मालूम ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस सेंटिमेंटल एनालिसिस और जियो पोलिटिकल सूरत हाल को समझ कर अपने मालियाती फैसलों को सरंजाम दे सकें